हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई घटनाएं ऐसी हैं जो घटी पर आधे लोगों ने उसे महज एक अफवाह माना, पर पैरानॉर्मल बिलीवर्स टाइम ट्रेवल की स्टोरी पर बिलीव करने वालों ने उसे सच माना। ईडब्ल्यूए 513 की स्टोरी को बहुत लोग एक अफवाह मानते हैं, पर जिन लोगों ने उस प्लेन को एक्सपीरियंस किया, जो लोग वहां थे एयरपोर्ट पर जब प्लेन लैंड हुआ, वो लोग इन सब पर बिलीव रखते हैं। ऐसी एक और स्टोरी आज हम लाए हैं जिसमें कुछ ऐसा घटा जो हमेशा के लिए अनसॉल्व रह गया। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है अनसॉल्व मिस्ट्री अ मैन फ्रॉम टॉरेट की। कहानी शुरू होती है जब एक वेल ड्रेस्ड मैन जुलाई 1954 में हनेडा एयरपोर्ट आता है। हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में है। सारे पैसेंजर्स की तरह इस जेंटलमैन ने भी अपने कदम कस्टम्स की ओर बढ़ाए और यहाँ से शुरू हुआ मिस्टीरियस मैन का सफर। कस्टम ऑफिसर्स के सवाल पर कि वो जेंटलमैन कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कि वो टॉरेट से है। पर अजीब बात कस्टम ऑफिसर्स को ये लगी कि टॉरेट नाम की कोई कंट्री उन्हें मिली ही नहीं मैप पर, और ना उन्होंने ऐसी कोई कंट्री सुनी। तो ये कंट्री है कौन सी? देखने से ऑफिसर्स को वो जेंटलमैन बिजनेसमैन लग रहा था, और आगे इंटरोगेशन से पहले वो और कंफर्म होना चाहते थे कि कोई गलती तो नहीं हो रही उस आदमी से या ऑफिसर से। तो इसलिए पहले एक मैप उस जेंटलमैन को दिया गया और उससे पूछा गया कि अपनी कंट्री जिसका नाम टॉरेट है उसे वो मैप पर पॉइंट आउट करे। जेंटलमैन बोलने में जैपनीज बोल रहा था और उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो और भी कई लैंग्वेजेस जानता है। और मैप पर उसने पॉइंट आउट की एक लोकेशन जो कि टॉरेट थी उस आदमी के हिसाब से, पर ऑफिसर्स के हिसाब से वो एरिया था एंडोरा का। एंडोरा दरअसल बॉर्डर है फ्रांस और स्पेन का। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा होने लग गई थी उस मिस्ट्री मैन और ऑफिसर्स के बीच। ऑफिसर ने अपने सीनियर को बुलाया और उन्हें भी उस आदमी ने एंडोरा को अपनी कंट्री बताई। साथ में ये भी दावा किया कि उसकी कंट्री टॉरेट हजारों सालों से है और वो जापान तीसरी बार टॉरेट से सफर कर रहा है। अब इस इंसान का पता पासपोर्ट से चल सकता था या फिर कोई और डॉक्यूमेंट, पर जो भी डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट चेक किया गया उस पर लोकेशन टॉरेट ही थी। इसका मतलब उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय टॉरेट थी, पर असलियत में टॉरेट नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। अब पुलिस कस्टम ऑफिसर्स को कुछ गड़बड़ लगने लगी, क्योंकि जब कोई कंट्री थी ही नहीं तो ऑथेंटिकेशन किसी रॉन्ग नाम पर एक ऑफेंस है। इसलिए पुलिस और इंटरोगेशन करना चाहती थी, तो उसकी चेकिंग में कई देशों की करेंसीज मिली। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो जेंटलमैन अपनी बातों से चेंज ही नहीं हो रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि आप लोग इसे कंट्री नहीं मानते, पर असलियत में ये कंट्री है। ऑफिसर्स को वो आदमी पागल लगने लगा था, क्योंकि झूठी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो एक फेक कंट्री को रियल बना रहा था। पर साथ ही साथ ऑफिसर्स को ये डर भी था कहीं ये कोई क्रिमिनल ना हो या कोई टेररिस्ट जो किसी क्राइम को करके फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हो। अब और इंटरोगेशन होनी बहुत जरूरी थी। इंटरोगेशन के दौरान एक कंपनी उस जेंटलमैन ने बताई जिसके लिए वो वर्क करता था, और उसके हिसाब से वो कंपनी भी टॉरेट की थी। पर जब ऑफिसर्स ने चेक किया तो वो कंपनी टोक्यो की निकली। साथ ही साथ उसने होटल बताया जहां उसे रुकना था, पर उस होटल ने बताया कि वहां ऐसी कोई बुकिंग्स ही नहीं है। ये केस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा था, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऑफिसर्स ने ये फैसला लिया कि उसे फर्दर इंटरोगेशन के लिए कस्टडी में रखना होगा। और कुछ खास सबूत नहीं थे उस आदमी के खिलाफ, इसलिए उसे होटल में टाइट सिक्योरिटी में रखा गया। बहुत टाइट सिक्योरिटी में उस आदमी को रखा गया। उस रूम में कोई बालकोनी नहीं थी, साथ ही कोई टेलीफोन का कनेक्शन नहीं था। अब आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस स्टोरी में, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आदमी अपने आप लॉक्ड रूम से गायब हो जाता है। साथ ही साथ गायब हो जाती है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि पुलिस ऑफिसर्स के पास थी। अब ये कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। लॉक्ड रूम से विदाउट बालकोनी वाले रूम से उस आदमी का गायब होना काफी ज्यादा अजीब था, पर उससे भी ज्यादा अजीब था उन डॉक्यूमेंट्स का गायब होना जो कि उस आदमी के टॉयलेट का होने का सबूत थी। ये इंसिडेंट एक सपना सा बनकर रह गया था उन ऑफिसर्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आइए अब जानते हैं क्या क्या थ्योरीज आई इस इंसिडेंट के बाद। कई लोगों ने माना कि टॉरेट नाम की कंट्री तो है, पर वो दूसरे यूनिवर्स में है, यानी पैरेलल यूनिवर्स। किसी कारण की वजह से वो डायमेंशन को क्रॉस करके हनेडा एयरपोर्ट आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ इस आदमी को टाइम ट्रेवलर माना गया और किसी गलती की वजह से वो इस एयरपोर्ट पर आ गया।
पर इस थ्योरी में सवाल ये उठते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो कहाँ है कंट्री टॉरेट, क्योंकि न पास्ट में कोई टॉरेट नाम की कंट्री थी और न फ्यूचर में टॉरेट नाम की कंट्री कोई आई। पर हाँ, उस जगह पर एंडोरा जरूर है। फिर आई एक अलग ही थ्योरी जिन्होंने इन सब को सिर्फ इमेजिनेशन माना और उस आदमी को क्रिमिनल मानकर ऐसा प्रिडिक्ट किया कि जब वो होटल में था तो उसने अपने पैसे के दम पर ऑफिसर्स को खरीद लिया था और उसे किसी सिक्योरिटी में रखा ही नहीं गया, साथ ही साथ उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस कर दी गई। ये सारी तो थ्योरीज ही थी, असलियत तो शायद किसी को नहीं पता, इसलिए इसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में रखा गया है। इसके बाद आप लोग गूगल पर टॉरेट या एंडोरा जरूर सर्च करेंगे, क्योंकि सबके मन में इस कंट्री को जानने की क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी। पर आप जब ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको एक ही स्टोरी आएगी, अ मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टॉरेट। इसलिए कई लोग इस स्टोरी को अ मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टॉरेट कहते हैं, वहीं कई सोर्सेज अ मैन फ्रॉम टॉरेट कहते हैं। आप सभी लोग क्या मानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी एक और मिस्टीरियस वीडियो जरूर देखें EW513 को। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।